उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 के बीएड कॉलेज के पास लगभग 42 वर्षीय रिंकू देवनाथ नाम के युवक जो पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था, उसकी पत्नी झगड़ा कर बच्चों को लेकर मायके चली गई, जिससे युवक डिप्रेशन में था। युवक ने फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार दिनेशपुर थाना क्षेत्र में पिछले एक वर्षों में एक दर्जन से अधिक युवक युवती घरेलू हिंसा के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। आज पुनः वार्ड नंबर 9 में रिंकू नाम के युवक ने पत्नी और बच्चों के वियोग में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बहुत ही खुशहाल था, लेकिन कुछ दिन पूर्व उनकी पत्नी झगड़ा करके बच्चों को लेकर मायके चली गई। ये बहुत दुखद घटना है। ये अपने पत्नी और बच्चे के गम में, ये डिप्रेशन में था, ये इसका केस कोर्ट में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके पत्नी का गम और बच्चे का जाना ये डिप्रेशन का कारण बना और इसने सुसाइड किया। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की घटना का आपस में शेयर करें और आपस में मैनेज करें, ना कि अपने आप को जो है इस तरीके से सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को खड़ा होने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से पैसे के अभाव में कोई नहीं मरता, क्योंकि काम काजी इलाका है, यहाँ पे हर युवा को काम मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हुई है, इसमें आपस में मेल जोल करें, अगर कहीं परेशानी है तो अपने यार दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें, कहीं ना कहीं मन हल्का होगा और इस तरीके से डिप्रेशन में ना आने की जरूरत है और मरने की भी जरूरत नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।